फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनियाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल हलवा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मूंग दाल जो येलो वाली होती है वो। और ये हलवा बिल्कुल मैं हलवाई स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हलवा भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा दानेदार। इसके लिए मैंने मूंग की दाल को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैंने लगभग आधे घंटे के लिए फैन के नीचे सुखा लिया है। इस तरीके से हमें इसे भिगोकर नहीं बनाना है, भिगोकर बनाते हैं तो वो जो हलवा है वो अच्छा नहीं बनता है। इसलिए ये एक सीक्रेट है कि इसको हमेशा जब भी आप बनाएं तो अच्छे से वॉश करके पहले सुखा लें, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। दाल को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर पैन को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी दाल और हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो जो दाल होगी नीचे से वो जल जाएगी। और इसकी जो फ्लेम है हमें लो मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज आंच पर नहीं भूनना है इसको। इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है तभी ये दाल जो है अच्छे से क्रंची हो जाएगी। ये जो मूंग की दाल का हलवा है मैं बिना मावे के बना रही हूँ और बिना ड्राई फ्रूट्स के। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मावे की जरूरत हमें वैसे पड़ती नहीं है क्योंकि ये जो मैं दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इनमें ऐड करूँगी उनसे खुद ही ये दानेदार बनेगा। गाइस, मूंग दाल का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा है, हमें इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक ही भूनना है। सो गाइस, हमारी जो दाल है वो अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आगे के इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, हमारी जो दाल है यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और देखिए कितना परफेक्टली भुनी है, इसका जो कलर है बिल्कुल लाइट ब्राउन है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। इसको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दुरदुरा ही पीसना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी दो छोटी इलायची, यानी कि हरी इलायची, जिससे जो हलवे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम यूज़ करेंगे लगभग 200 से 250 ml मिल्क और थोड़ी सी केसर। इसको मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी। एक कटोरी चीनी, जिस कटोरी से हमने दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने ये एक कटोरी चीनी ली है। और इसके साथ ही मैं दो कटोरी पानी का भी यूज करूंगी सेम कटोरी से। तो पहले मैं दाल को पीस लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। दाल को मैं ट्रांसफर कर देती हूँ एक मिक्सी के जार में। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। सो गाइस, जो दाल है वो अच्छे से पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक नहीं है, दुरदुरी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कुकिंग। सो गाइस, इसमें जो मैं दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली थी वो है एक चम्मच बेसन और एक चम्मच सूजी। इससे जो है हमारा मूंग दाल हलवा बिल्कुल हलवाई की तरह बनेगा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप शादी में खाते हैं। और इसमें हमें यूज़ करना है लगभग 4 से 5 चम्मच देसी घी। पैन यहाँ पे गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले सबसे हमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। और 2 से 3 चम्मच जो है हम बाद में यूज करेंगे।
इसको मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। आप जब भी हलवा बनाए तो या तो किसी नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करें या फिर किसी मोटे तले वाली कढ़ाई का यूज करें ताकि जो हलवा है वो चिपके ना। जब हलवा चिपक जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने बेसन और सूजी लिया था उसे, क्योंकि हमारी मूंग दाल जो है वो पहले ही भुनी हुई है तो उसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बेसन और सूजी को पहले ही भून लेंगे। इसकी आंच जो है हमें लो ही रखनी है। और गैस अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज करें तो आप उनको पहले घी में थोड़ा सा भून लें हल्का लाइट ब्राउन करके, उसके बाद ही आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये हलवा जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। सूजी और बेसन जो है ये हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मूंग दाल जो मैंने बारीक पीस रखी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में। दाल जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है घी में। फ्रेंड्स अगर आपको भी ये हलवा पसंद है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ये मैंने दाल को भून के जो पाउडर बनाया था आप इसको बना के रख सकते हैं और आप किसी भी ओकेजन पे इस पाउडर का यूज कर सकते हैं हलवा बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो आधे से पौने घंटे का टाइम है वो सेव होगा अगर आप इस पाउडर को बना के रखते हैं, क्योंकि पहले हमें इसे वॉश करना होता है और लगभग आधे घंटे तक इसे सुखाना होता है, उसके बाद ही हम इसका पाउडर बना सकते हैं भून कर। मूंग दाल जो है ये अच्छे से भून चुकी है। मैं इसमें ऐड करूंगी 2 कटोरी पानी। अगर आप इसमें दूध का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं, बट जो दूध डालने से जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पानी मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि जो ये दाल है वो अच्छे से फूल जाएगी और फिर दूध के साथ पकने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली पक जाएगी उसके साथ और बहुत ही दानेदार हलवा बनने वाला है ये। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आधा कटोरी पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं यूज करने वाली हूँ 200 या 250 ml दूध। पानी डालने के बाद मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक पकाया है। अब ये बिल्कुल पैन से सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल लेते हैं दूध। ये मैंने फुल क्रीम दूध यूज करा है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो दाल है ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है दूध के साथ। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी।
अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, बट ये जो हलवा है वो थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी केसर, जो मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा था। गाइस, ये जो केसर है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। इसकी जगह पे आप या तो येलो फूड कलर यूज कर सकते हैं, या फिर आप कलर भी नहीं यूज करेंगे तो भी हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। ये दोनों चीजें ही ऑप्शनल है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस केसर डालने से जो होता है, इसका जो थोड़ा कलर है वो एक अच्छा कलर आने लगता है इसमें, और टेस्ट भी अच्छा आता है। चीनी जो है अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए और कवर करके पकाऊंगी। गैस हलवे को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, इसकी जो फ्लेम है मैंने वो स्टार्टिंग से लो ही रखी है, क्योंकि लो आंच पर ये पकेगा, धीमे धीमे पकेगा, तो ये जितना धीमे धीमे पकेगा उतना ही अच्छा बनेगा। ये थोड़ा इस हलवे को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सो गाइस, मूंग दाल का जो ये हलवा है ये लगभग तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक और पकाऊंगी मैं इसे खुला ही, इसको अब कवर नहीं करना है। ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है पैन से, मींस ये अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा मूंग दाल हलवा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही परफेक्ट है। अब मैं इसको, इसकी जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देती हूँ और इसको सर्व कर लेती हूँ। आप इसको ठंडा गरम कैसे भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, तैयार है हमारा हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा। आप भी इस हलवे को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।